ओम श्री हरि। आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 99, 100 और 101 का पाठ करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। बिरद गरीब निवाज राम को गावत वेद पुराण शंभु सुख प्रगट प्रभाऊ नाम को ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति जड़ पतंग पांडव सुदाम को लोक सुजस पर लोक सुगति इनमें को है राम काम को गणिका कोल की रात आदि कवि इनते अधिक बाम को बाज मेध कब कियो अजामिल गज गायो कब साम को छली मलीन हीन सब ही अंग तुलसी सो छीन छाम को नाम नरेश प्रताप प्रबल जग जुग जुग चालत चाम को। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी का बाना ही गरीबों को निहाल कर देना है। वेद पुराण शिव जी सुखदेव जी आदि यही गाते हैं, उनके श्री राम नाम का प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है। ध्रुव प्रहलाद विभीषण सुग्रीव जड़ अर्थात अहिल्या पक्षी यानी कि जटायु और काकभूषुंड पांचों पांडव और सुदामा इन सबको भगवान ने इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सदगति दी। इनमें से राम के काम का भला कौन था? गणिका जीवंती कोल की रात गुह निषाद आदि तथा आदि कवि वाल्मीकि इनसे बुरा कौन था? अजामिल ने कब अश्वमेध यज्ञ किया था? गजराज ने कब सामवेद का गान किया था? तुलसी के समान कपटी मलिन सब साधनों से हीन दुबला पतला और कौन है? पर श्रीराम के नाम रूपी राजा के राज्य में उसके प्रबल प्रताप से युग युग से चमड़े का सिक्का भी चलता आ रहा है, अर्थात नाम के प्रताप से अत्यंत नीच भी परमात्मा को प्राप्त करते रहे हैं, ऐसे ही मैं भी प्राप्त करूँगा। सुनी सीतापति सील सुभाऊ मुदन मन तन पुलक नयन जल सुनर खे हर खाऊ शिशुपन ते पितु मात बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ कहत राम विधु बदन रिसो हैं सपने हूँ लख्यो न काऊ खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाऊ जीति हारि चुचकारि दुलारत दित दिवावत दाऊ मिला साप संताप बिगत भई परसत पावन पाऊ दई सुगति सोन हेरी हर्ष हिय चरण छुए को पछिताऊ भवधनु भंजिन दरि भूपति रघुनाथ खाए गए ताऊ क्षमि अपराध क्षमाई पाए परी इतोन अनत समाऊ कहो राज बन दियो नारी बस गरि गलानि गयो राऊ ताको मातु को मन जोगवत जो निस्तन मरम को घाऊ कपि सेवा बस भय कनौड़े कहो पावन सुत आऊ देव को न कछोरे नियाहो धनिक तो पत्र लिखाऊ अपनाए सुग्रीव विभीषण तिन्न तजो छल छाऊ भरत सभा सन मानि सराहत होतन हृदय अघाऊ निज करुणा कर तूति भगत पर चपत चलत चर चाऊ सकृत प्रणाम प्रणम जस बरनत सुनत कहत फिरि गाऊ समुझ समुझे गुण ग्राम राम के
उर अनुराग बढ़ाऊ। तुलसीदास अनयास राम पद पाइह प्रेम पसाऊ। श्री सीतानाथ राम जी का शील स्वभाव सुनकर जिसके मन में आनंद नहीं होता, जिसका शरीर पुलकायमान नहीं होता, जिसके नेत्रों में प्रेम के आंसू नहीं भराते, वह दुष्ट धूल फांकता फिरे तो ही ठीक है। बचपन से ही पिता, माता, भाई, गुरु, नौकर, मंत्री और मित्र यही कहते हैं कि हम में से किसी ने स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख पर कभी क्रोध नहीं देखा। उनके साथ जो उनके तीनों भाई और नगर के दूसरे बालक खेलते थे, उनकी अनीति और हानि को वे सदा देखते रहते थे और अपनी जीत में भी उनको प्रसन्न करने के लिए हार मान लेते थे तथा उन लोगों को पुचकार कर प्रेम से अपना दांव देते और दूसरों से दिलाते। चरण का स्पर्श होते ही पत्थर की शिला अहिल्या शाप के संताप से छूट गई, उसे सदगति दे दी। पर इस बात का तो उनके मन में कुछ भी हर्ष नहीं हुआ, उल्टे इस बात का पश्चाताप अवश्य हुआ कि ऋषि पत्नी के मेरे चरण क्यों लग गए। शिव जी का धनुष तोड़कर राजाओं का मान हर लिया, इससे जब परशुराम जी ने आकर क्रोध किया तब उनका अपराध क्षमा करके उल्टे श्री लक्ष्मण जी से माफी मंगवाई और स्वयं उनके चरणों पर गिर पड़े। इतनी सहिष्णुता और कहीं नहीं है। राजा दशरथ ने राज देने को कहकर कैकेयी के वश में होने के कारण वनवास दे दिया और इसी ग्लानि के मारे हुए मर भी गए। ऐसी बुरी माता कैकेयी का मन भी आप ऐसे संभाले रहे जैसे कोई अपने शरीर के मर्म स्थान के घाव को देखता रहता है। अर्थात आप सदा उसके मन के अनुसार ही चलते रहे। जब आप हनुमान जी की सेवा के वश होकर उनके उपकृत हो गए तब उनसे कहा, हे पवनसुत यहाँ आ, तुझे देने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तेरा ऋणी हूँ, तू मेरा महाजन है, तू चाहे तो मुझसे लिखा पढ़ी करवा ले। सुग्रीव और विभीषण ने अपना कपट भाव नहीं छोड़ा, परंतु आपने तो उन्हें अपना ही लिया। भरत जी का तो सदा भरी सभा में आप सम्मान करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते करते तो आपके हृदय में तृप्ति ही नहीं होती। भक्तों पर आपने जो जो दया और उपकार किए हैं उनकी तो चर्चा चलते ही आप लज्जा से मानो गड़ जाते हैं। अपनी प्रशंसा आपको सुहाती ही नहीं, पर जो एक बार भी आपको प्रणाम करता है और शरण में आ जाता है आप सदा उसका यशवर्णन करते हैं, सुनते हैं और कह कहकर दूसरों से गान करवाते हैं। ऐसे कोमल हृदय श्री राम जी के गुण समूहों को समझ समझ कर मेरे हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई है। हे तुलसीदास, इस प्रेमानंद के कारण तू अनायास ही श्री राम के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के अति दीन प्यारे। कौन देव बराई बिरद हित हठियटी अधम उघारे। खगमर्ग व्याध पशान वेटप जड़ जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कह अपन पौहारे। इस पद में तुलसीदास जी श्री राम जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे नाथ, आपके चरणों को छोड़कर और मैं कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है। आपकी भांति दीन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं। आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया है। किस देवता ने पक्षी या जटायु, पशु जैसे रीछ और वानर आदि, व्याध जैसे वाल्मीकि, पत्थर जैसे कि अहिल्या और जड़ वृक्ष जैसे यमलार्जुन और यवनों का उद्धार किया है। देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सब बिचारे माया के वश हैं। स्वयं बंधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है। इसलिए हे प्रभु, यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथों में सौंपकर क्या करें।